हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे अनाज के खेत के तरफ जो आपके पशुओं के चारे के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आपके पशु दूध नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उसके लिए ये रामबाण से भी बड़ी औषधि है। देखिए, धान का खेत है और कौन सा धान है, साठी का धान, साठी चावल। जम्मू कश्मीर, पंजाब या पूरे भारत में इसका उत्पादन किया जाता है, साठी का धान है। देखिए, तो यूज ये है कि ये देखिए बाल साठी का धान है। देखिए, यूज ये है इसका चावल जिस भी पशु को आप खिलाते हैं उसका दूध एक नहीं दो नहीं 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, 100 गुना ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन इसके चावल को खिलाने से बढ़ जाएगा पशुओं में। आपके पास गाय है, भैंस है, जो भी आपके पास पशु है। हाँ, और एक बात और है, यदि आपके आसपास कोई महिला है जिसका डिलीवरी हो गया है, बच्चे हो गए हैं और उसको दूध नहीं आ रहा है, तो इसके चावल की खीर बनवाइए और उसको हफ्ते में 2 बार खिलवाइए। देखिएगा कि 3-4 बार सेवन करने के बाद ही उसके स्तनों से भरपूर मात्रा में दूध आना शुरू हो जाएगा। और देखिए, इसका चारा भी आप यूज कर सकते हैं। ये साठी का धान है, बहुत जल्दी हो जाता है, 60 दिनों में ये पककर तैयार हो जाता है। और बताते हैं इसका जड़। फ्रेंड्स, ये गीला है बट इसका जड़ का यूज मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति है जो नशे की लत से या किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, देखिए कितना अच्छा है खेत, डिप्रेशन में रहता है, दिमाग उसका अशांत रहता है, तो क्या कीजिए, साठी के जो धान के पौधे हैं उनकी जड़ें निकाल लीजिए, सुखा लीजिए अच्छे से, और सुखाने के बाद पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए और उसको 1-1 ग्राम के टेबलेट बना लीजिए। उसमें शहद मिलाकर टेबलेट फॉर्म में उसको तैयार कर लीजिए। फिर उसको उस व्यक्ति को सेवन करना है जिसका दिमाग संतुलित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिसको पागलपन के दौरे आते हैं, मिर्गी के अटैक आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। थोड़ी सी नशीली होती है, इसको खाने से व्यक्ति कंट्रोल में भी रहता है। तो देखिए दोस्तों, अभी शुरू हो रहे हैं इसमें बाल आने, धान का खेत है, कौन सा धान, साठी धान, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो को अंत करते हैं। हमारे चैनल इंडियन हर्ब्स फॉर हेल्थ को देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।